हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कैसे बनाएं घर पे बेल्जियन वेफल्स। बेल्जियन वेफल बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1 कप पिसी हुई चीनी, 1 कप दूध, 1/4 कप बटर, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, वेनिला एसेंस, 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 टेबलस्पून चॉकलेट चिप्स। सबसे पहले एक बाउल में बटर और चीनी अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब इसमें धीरे धीरे मैदा और दूध ऐड करें और एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी कर लें। इसमें हमें इसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। ध्यान रहे कि इसमें ना लम्ब्स पड़े ना ये ज़्यादा रनी हो। इसका बैटर केक से थोड़ा सा पतला होता है। अब हम इसमें आधा ढक्कन वेनिला एसेंस ऐड कर देंगे। अब इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी ऐड करते हैं। यहाँ हमारा बैटर अभी थोड़ा सा थिक है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होगी। अब हमें इसमें सबसे लास्ट में लेमन जूस ऐड करना है। देखिए अब हमने यहाँ वॉफल मेकर को अच्छे से दोनों साइड से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद हम इसे प्री हीट होने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे। अगर आपके पास वॉफल मेकर ना हो तो आप इसे ग्रिलर में भी बना सकते हैं विद द सेम मेथड। यहाँ मैंने अपने वॉफल के बैटर को 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। एक को मैं सिंपल ही रखूंगी और दूसरे में मैंने यहाँ चॉको चिप्स ऐड किए हैं। अब हम हमारे प्री हीटेड वॉफल मेकर में ये बैटर कोट कर देंगे। सबसे पहले मैंने चॉको चिप वाला डाला है और ये दूसरी साइड सिंपल। अगर आपको चॉकलेट वेफल बनाना है तो आप इस सेम रेसिपी में 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड कर दें और आपका चॉकलेट वेफल रेडी हो जाएगा। देखिए अब इस पे ग्रीन लाइट आ गई है, इसका मतलब ये रेडी हो गया है। अब हम इसे चॉकलेट से कोट करेंगे। यहाँ मैंने चॉकलेट में थोड़ा सा मिल्क ऐड करके उसे मेल्ट कर लिया है। अब इस पे चॉकलेट पोर कर दें। अब जितनी चॉकलेट लगाएंगे ये उतना टेस्टी बनेगा।
आप इसे आइसक्रीम, फ्रूट्स, व्हाइट चॉकलेट, किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।